दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन के अंदर। दोस्तों, आरबीआई तो आपका अपना है, भारत का अपना है, 5 नंबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, 2, 2, 4, 1, 5 5 नंबर का साल है, 3 नंबर की आपकी क्या कहते हैं कि इंडिया है, 8 नंबर की मोती है। डीपर कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा, लेकिन आरबीआई तो अपना घर था, अपना बैंकर है। 1,76,000 करोड़ का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वन टाइम डिविडेंड आपने 2 साल पहले उनसे ले लिया या छीन लिया, एक ही बात है। आरबीआई कोई कंपनी तो है नहीं जो कमाई करेगा, फिर भी आपको नोट छाप के उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो उसको रहता है वो आपको दे देता है। लेकिन इस साल, पिछले साल भी करीब 60,000 करोड़ लिया सरकार ने, और इस बार सरकार ने बजट में कहा था कि 40-50,000 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद एक किस्म से एक निर्मला सीतारमण ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई से कहा कि सिचुएशन ऐसी कि हमें आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिविडेंड चाहिए। अब वहाँ पे जब से 2 साल पहले से शक्तिकांता दास को भेजा गया था, पर्पज़ वही था कि वहाँ से ज़्यादा पैसे कैसे लिए जाएं, और इस साल 99,122 करोड़ रुपीज़ शक्तिकांता दास ने एज ए डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिविडेंड सरकार को दे दिए। अब इसके ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं कि आपने बेसिकली 3 साल के अंदर अंदर देखा जाए तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा, बल्कि 3.5 लाख करोड़ के आसपास आपने आरबीआई से निकाल लिए कैश के अंदर। आरबीआई की अपनी इनकम तो है नहीं, 3.5 लाख करोड़ के नोट छपवा के एक्स्ट्रा आपने ले लिए। आप उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पे अर्जेंटीना और वेनेजुएला चले थे। उन्होंने भी यही किया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है, हमारी सरकार की हालत भिखारियों जैसी है। अर्जेंटीना ने कहा था अपने सेंट्रल बैंकर से, आप नोट छाप के दो, हम देखेंगे क्या कैसे नहीं छापते तुम। छपवा लिए साहब। आज अर्थव्यवस्था जो है अर्जेंटीना वेनेजुएला की, किस हाल में आपको पता है, जर्जर है, जर्जर ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल वर्ल्ड सीन पे ही नहीं है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोई ये ना समझे कि इसका असर नहीं होगा, और कोई ये ना समझे कि इसको रेटिंग एजेंसीज नहीं देख रही हैं, फिच, मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पूअर, S&P देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। वक्त आने पे फैसला भी ले लेंगे। उन्हें वार्निंग पहले ही आ चुकी है कि आपका जो रेटिंग सिस्टम -BBB है या BBB- है, विच इज़ जस्ट लोएस्ट ग्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1 मोर डाउनग्रेड जिसकी बात चल रही है अभी, एंड इंडिया विल गो इन टू जंक रेटिंग। जंक रेटिंग समझते हो, कबाड़ खाना, कबाड़ा, कचरा। 1 मोर, जस्ट 1 डाउन एंड यू आर इन टू जंक। जब आप जंक हुए तो इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी लोग ऐसी कंपनी के अंदर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसे कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते जिनकी रेटिंग जंक की होती है। एंड इंडिया इज़ वेरी नियर टू जंक। ये कंडीशन आज की है यहाँ पर। ये आरबीआई साहब आपके और सरकार, यानी कि सरकार अपने बैंक को, अपने घर को क्या कर रही है, आप समझ सकते हैं। शुक्रिया आपका।